हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे। वी ऑल आर स्लेव्स ऑफ आवर इमोशंस। कभी हम दुखी होते हैं, कभी खुश, कभी गुस्से में, ऐसे काफी सारे इमोशंस होते हैं जो हम शो करते हैं। ऐसा सभी करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। किसी भी चीज पर रिएक्ट करना काफी नॉर्मल है। देखा जाए तो हमारी बॉडी में दो टाइप्स के इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस आर लव, कंपैशन, काइंडनेस और हैप्पीनेस, वेयर एज नेगेटिव इमोशंस आर जेलसी, पजेसिवनेस और एंगर। एंगर सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो आज हम ऐसे सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे जो हम यूज कर सकते हैं जब हम गुस्से में हो। वैसे तो जब किसी को गुस्सा है तो वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, उसको खुद को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। ये बात हम सबको पता है कि गुस्सा करना कितना गलत बात है, बट एज ए इमोशन है तो वी एक्सप्रेस इट। तो देखते हैं आपको इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस यूज करने चाहिए जब आप गुस्से में हो या फिर आपकी किसी से लड़ाई हो गई हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। एंड इफ यू वांट कि आपको हमारी वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन मिले तो आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। जब हम गुस्से में किसी को कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, तो उसके लिए हम कहेंगे हैव यू गॉन मैड। जब किसी को कहेंगे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। जब हमसे कोई बदतमीजी करेगा, हमें परेशान करेगा, तो हम कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। आई रिपीट, हाउ डेयर यू। जब आपसे गुस्से में कोई बहस करे और बहुत गलत बोले तो हम कहते हैं जुबान संभाल कर, माइंड योर टंग। अगर आपको कोई सामने से गुस्सा करता रहेगा और आप सुनते रहोगे तो एक टाइम आएगा आप कहोगे मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। जब आप किसी को कोई चीज समझाने की कोशिश करते हो और वो आपकी बात ना सुने तो आप कहते हो तुम नहीं सुधरोगे, यू वॉन्ट चेंज। जब आप किसी से परेशान आ चुके होते हो तो आप कहते हो मैं तुमसे तंग आ चुका हूं, आई एम सिक ऑफ यू, या फिर हम कह सकते हैं आई एम फेड अप विद यू। जब आप किसी को कोई चीज समझाते हो वो आपकी बात ना समझकर आपको सामने से ही कुछ समझाने लगे तो आप कहते हो ज्यादा होशियार मत बनो, डोंट एक्ट टू स्मार्ट। अब ये सेंटेंस तो हम ज्यादातर लोग बोलते हैं, मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस विद मी। जब आपको कोई डराता है तो आप बोलते हो मुझे धमकी मत दो, डोंट थ्रेटन मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम क्या समझते हो अपने आप को, व्हाट डू यू थिंक यू आर। जब आप किसी से इरिटेट हो जाते हो तो आप गुस्से में कहते हो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद यू। नेक्स्ट देखते हैं, जब कभी हम कोई चीज खो देते हैं, जैसे अगर हमें हमारी फैमिली मेंबर ने कोई मोबाइल फोन दिलाया और हमसे वो खो गया तो हमें कहा जाएगा तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई वोंट स्पेयर यू। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप सबसे पहले ये सोचते हो कि मैं इस सामने वाले को थप्पड़ लगा दूं अब, तो ऐसे में आप कहते हो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, आई विल स्लैप यू। नेक्स्ट, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कौन हूं, आई विल शो यू हु आई एम। नेक्स्ट, तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, यू आर मेसिंग विद द रॉन्ग गाय। नेक्स्ट, मुझे परवाह नहीं है तुम कौन हो, आई डोंट केयर हु यू आर। जब हम किसी से लड़ाई करते हैं और वो हमें बिना मतलब हमारे मैटर में इंटरफेयर करता है तो हम कहते हैं अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस।
जब आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करो और वो आपकी ना सुने तो आप बोलते हो, तुम जो करना चाहते हो करो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जब हम किसी को ब्लेम करते हैं और बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो उसको कहेंगे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो आपका मजाक बनाते होंगे, बट कभी कभी जब मजाक ज्यादा हो जाता है तो आपको गुस्सा आने लगता है, फिर आप कहते हो, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। आप सोचो, आपके फ्रेंड और आपके बीच में लड़ाई हो जाए, तभी बीच में कोई तीसरा बोलने लगे तो कितना गुस्सा आएगा ना। इसके लिए आप कहोगे, तुमको इसके बारे में बात करने का अधिकार नहीं है, यू हैव नो राइट टू टॉक अबाउट इट। अब आप सोचो, आप जब किसी का झूठ पकड़ लेते हो और तब भी वो आपको झूठ बोलता ही रहता है तो आता है ना गुस्सा, फिर गुस्से में क्या कहते हैं हम, तुम सच से छुप नहीं सकते, यू कांट हाइड फ्रॉम द ट्रुथ। जब आपसे कोई ठीक तरह से बात ना करे तो आप बोलते हो, तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर रहे हो, यानी हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें हो क्या गया है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। नेक्स्ट, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड यू एनी मोर। नेक्स्ट, मैंने तुमसे कभी उम्मीद नहीं करी थी, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। जब हमारे सामने कोई लगातार गुस्सा करता रहता है तो हम उसको कहते हैं कि आप अपना आपा क्यों खो रहे हो, वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर। नेक्स्ट, क्या तुम होश में हो, आर यू इन योर सेंसेस। जब आपके साथ कोई बहस करता रहे एंड आप ये कोशिश करो कि बात खत्म हो जाए, तब कितना गुस्सा आता है ना, तब हम कहते हैं, तुम बात क्यों बढ़ा रहे हो, वाई आर यू स्ट्रेचिंग द मैटर। नेक्स्ट, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, आई विल नेवर फॉरगिव यू। नेक्स्ट, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। नेक्स्ट, बकवास क्यों कर रहे हो, वाई आर यू टॉकिंग नॉनसेंस। मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूं, आई हैव हैड एनफ ऑफ यू। तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जिनको हम यूज कर सकते हैं जब आपको गुस्सा आए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम न्यू वीडियो के साथ जल्द ही आएंगे, तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।